अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चार ऐसे अहम सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो आम तौर पर आपसे प्लेज के मुतालिक यानी ड्रामा के मुतालिक आपसे पूछे जाते हैं। ये वीडियो खासतौर पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई जा रही है, जो फेडरल बोर्ड का नया जो SLO बेस्ड करिकुलम पॉलिसी आई है उसके मुताबिक। लेकिन अगर आप BS इंग्लिश या MA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल होगी। तो चार ऐसे सवाल जो ड्रामा के मुतालिक पूछे जाते हैं, और आपने अगर सिर्फ एक कोई भी ड्रामा पढ़ रखा हो तो आपको उस एक प्ले की मदद से आप ड्रामा से तकरीबन कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप करने के काबिल हो जाते हैं, अगर आपको ये चार सवाल आते हों। यानी ये चार वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर प्ले में होती हैं, और हर प्ले के हवाले से आप इसको जान भी सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। तो पहला जो सवाल है, दैट इज एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले यू हैव रिसेंटली रेड। यानी आपने जो कोई प्ले पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप ये जो आपको ब्लॉब नजर आ रहा है, यानी यहाँ से एक एरो है जो कि अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड आ रहा है, और फिर उसके बाद वो फ्लैट हो रहा है, तो इसको आप जो है वो प्ले के अकॉर्डिंगली जो भी प्ले आपने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एक्सप्लेन करें। अब आज हम जिस प्ले की बात करेंगे दैट इज प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है, तो हम हर सवाल को प्रोग्रेस प्ले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रोग्रेस प्ले जो है वो आपने पढ़ रखा है। तो इसका सवाल ये होगा कि देर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट एज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ब्लॉब विच आर एक्सपोजिशन। पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज एक्सपोजिशन। सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, दैट इज राइजिंग एक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्लाइमैक्स होता है, ठीक है, दैट इज द थर्ड कंपोनेंट, उसके बाद फॉलिंग एक्शन विच इज द फोर्थ कंपोनेंट, एंड रेजोल्यूशन विच इज द फिफ्थ कंपोनेंट। तो ये पांच एलिमेंट्स होते हैं या पांच कंपोनेंट होते हैं जो कि किसी प्ले के अंदर भी होते हैं। द प्ले विच आई हैव रेड इज प्रोग्रेस। इन एक्सपोजिशन द ऑथर इंट्रोड्यूसेज द स्टडी ऑफ प्रोफेसर कॉरे वेयर ही सीम्स वेरी एक्साइटेड फॉर हिज इन्वेंशन। कॉरे रिजॉयसेज ओवर हिज इन्वेंशन एज इट कैन डिस्ट्रॉय। ये सारी की सारी क्या है, ये आपको प्ले की एक्सपोजिशन जो है ये बताई जा रही है कि प्रोग्रेस प्ले की एक्सपोजिशन क्या है। द ऑथर इंट्रोड्यूसेज द स्टडी ऑफ प्रोफेसर कॉरे वेयर ही सीम्स वेरी एक्साइटेड फॉर हिज इन्वेंशन। कॉरे रिजॉयसेज ओवर हिज इन्वेंशन एज इट कैन डिस्ट्रॉय अ वैस्ट सिटी इन अ फ्यू सेकेंड्स। राइजिंग एक्शन डिनोट का मतलब क्या है कि बताता है, डिनोट या इशारा करता है। डिनोट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मूला टू मिसेज मेल्डन हु इज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। मिसेज मेल्डन जेंटली रिमाइंड्स हिम दैट हिज इन्वेंशन विल लीड टू द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यंग मैन लाइक हर सन एडी, बट ही इग्नोर्स द वर्ड्स एंड ग्लॉट्स ओवर हिज इन्वेंशन एंड फेम एंड वेल्थ, ठीक है। क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले, अब ये सारा का सारा क्या है, यहाँ से मिसेज मेल्डन जेंटली रिमाइंड्स, यहाँ से इसका राइजिंग एक्शन स्टार्ट होता है। ये सारा का सारा क्या है, दिस इज बेसिकली द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। तो क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले हैपन्स एट द मोमेंट व्हेन मिसेज मेल्डन ट्राइज टू कन्विंस हिम टू डिस्ट्रॉय हिज फार्मूला एज इट कैन कॉज मच डैमेज टू ह्यूमैनिटी बट ही डज नॉट गेट कन्विंस्ड। तो ये सारा का सारा क्या है, ये क्लाइमैक्स है, ठीक है, दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले। मैं इसको मुख्तलिफ कलर्स में इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये क्या है, ये सारा का सारा क्लाइमैक्स है। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिबेट बिटवीन प्रोफेसर कॉरे एंड मिसेज मेल्डन, इट पेव्स द वे टू द रेजोल्यूशन, ठीक है, इन द प्ले। अब ये सारा का सारा क्या है, जो उनके दरमियान डिबेट होती है दैट इज बेसिकली द फॉलोइंग एक्शन। ये जो सारी की सारी डिबेट है दैट इज फॉलोइंग एक्शन। उसके बाद इट पेव्स वे टू द रेजोल्यूशन इन द प्ले इन विच मिसेज मेल्डन कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ एंड किल्ड प्रोफेसर कॉरे बाय स्टैबिंग हिम विद अ नाइफ। अब यहाँ से मिसेज मेल्डन कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ एंड किल्ड प्रोफेसर कॉरे बाय अ नाइफ। तो ये सारा का सारा क्या है, दिस इज बेसिकली द रेजोल्यूशन ऑफ द प्ले। ये सारा का सारा क्या है, रेजोल्यूशन है। मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ये सारा का सारा क्या है, रेजोल्यूशन है। दो शी डज नॉट वॉन्ट टू डू सो बट शी फाइंड्स इट एसेंशियल टू सेव द ह्यूमैनिटी। शी फील्स दैट दिस इज अ जस्टिफाइबल रिवेंज अगेंस्ट मर्डरर ऑफ हर सन ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हर सन। तो आप ये क्वेश्चन जो है इसको हेडिंग्स की फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले आप जो है ना वो ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें, फिर उसके बाद ये फर्स्ट इसका जो एक्सपोजिशन का जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप इसकी आप एक हेडिंग बनाएं, फिर उसके बाद आप अगला जो है राइजिंग एक्शन इसकी हेडिंग बनाएं, फिर उसके बाद क्लाइमैक्स की हेडिंग बनाएं, उसके बाद आप फॉलिंग एक्शन की, और उसके बाद रेजोल्यूशन की, और इस तरीके से आप 6 में से 6 नंबर ले सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो है थीम्स के हवाले से। रिकॉल द थीम ऑफ अ प्ले यू हैव रेड एंड एक्सप्लेन वेदर इट इज ऑफ इंडिविजुअल और यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। यानी थीम्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो इंडिविजुअल थीम्स होती हैं या फिर क्या होती हैं, यूनिवर्सल थीम्स होती हैं। तो आप
ने जो प्ले पढ़ रखा है, आप ये बताएं कि उसकी थीम जो है वो इंडिविजुअल है या यूनिवर्सल है। तो अगेन हम जिस प्ले की बात करेंगे वो प्रोग्रेस प्ले है, तो आप इसका जवाब इस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि आई हैव रेड द प्ले प्रोग्रेस विच हैज अ यूनिवर्सल थीम, इट रिवील्स एंटी वॉर थीम। अब जो प्रोग्रेस जो प्ले है उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है एंटी वॉर, ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट वी शुड नॉट फेवर वॉर एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एज इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू मैनकाइंड ऑन अ लार्ज स्केल, वी शुड नॉट गिव राइज टू द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड एनमिटी थ्रू वॉर्स। Basically, the play is written after World War I, which had perished a number of families all over the world. The writer wants to spread the message of humanism through his play, and he believes that anything that is against humanity should be abolished. Abolish, khatam kar dena, for the peaceful living of all human beings. In the play Progress, Professor Corey has invented a formula which will make war in future over in a few hours. He will sell it to the country which will offer him the best incentive for it. Blinded by the lust for money. अब ये lust for money जो है इस ये इसकी क्या है, ये इसकी दूसरी थीम है। Lust for money, Professor Corey forgets all about humanity and peace of the world. Mrs. Meldon wants her brother to destroy his formula only to save humanity. She kills him by the end of the play as she fails to convince Professor Corey to destroy it. तो थीम के हवाले से आपसे क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्ले। ये ऑलरेडी भी हमने इसको क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन ये जरा डिफरेंट से क्वेश्चन, ये जरा एक डिफरेंट अंदाज में क्वेश्चन है। द एलिमेंट ऑफ अ प्ले इंक्लूड सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, मोनोलॉग या सोलिलोक्वी, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज, स्पेक्टिकल एंड रिदम। यानी कि ऊपर जो हमने एलिमेंट्स की बात की वो उसके एलिमेंट थे कहानी के फ्लो के एतवार से। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे ड्रामा बनता है, प्ले बनता है। तो प्ले में क्या होनी चाहिए, नंबर वन सेटिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें एक प्लॉट होता है, फिर उसके बाद प्ले के अंदर क्या ज़रूरी है, प्ले के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद उसमें डायलॉग्स का होना ज़रूरी है। डायलॉग्स जो हैं वो मोनोलॉग या सोलिलोक्वी की फॉर्म में हो सकते हैं। प्ले के अंदर थीम्स होती हैं, प्ले के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्ले लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसमें कुछ स्पेक्टिकल यानी मंजर होते हैं, जैसे आपका प्रोग्रेस प्ले जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में आपको एक यानी कि दिखाया गया उसका रूम दिखाया गया, तो दैट इज स्पेक्टिकल। और रिदम उसमें कुछ म्यूजिक वगैरह भी होता है। अच्छा, प्लॉट क्या है, प्लॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्ले, इट कंसिस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑन विच प्ले इज बेस्ड। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि जो बेसिक आइडिया होता है कहानी का, जैसे अगर मैं आपको प्रोग्रेस प्ले का प्लॉट बताऊं तो प्रोग्रेस प्ले आपसे अगर जनरल पूछा जाए कि भाई प्रोग्रेस प्ले के हवाले से, तो आप कहेंगे कि प्रोग्रेस प्ले बेसिकली एक साइंसदान और उसकी बहन की कहानी है, या एक साइंटिस्ट की कहानी है जिसने बम बनाया है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है, बिल्कुल शॉर्ट, किसी भी लॉन्ग जो स्टोरी है उसको जब आप 3-4 लाइंस में जो उसकी स्टोरी बताते हैं, दैट इज द प्लॉट। अच्छा, इट कैन बी टर्म्ड एज द स्केलेटन ऑफ द प्ले। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट बेसिकली स्केलेटन ऑफ द प्ले होता है, ढांचा होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स फॉर द कैरेक्टर्स टू सॉल्व। द प्लॉट ऑफ अ प्ले शुड बी बोथ एस्टॉनिशिंग एंड क्रेडिबल। अ टिपिकल प्लॉट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फेज। सबसे पहले एक्सपोजिशन होती है विच इज़ द इंट्रोडक्शन टू द मेन कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद सेटिंग होती है, फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो क्या बनता है, राइजिंग एक्शन बनता है व्हेन कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली इंटेंसिफाइज, यानी कि जब कहानी ऊपर की तरफ चलती है। फिर उसके बाद क्लाइमैक्स आता है विच इज़ द पीक ऑफ टेंशन, उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स या फॉलिंग एक्शन होता है व्हेन सिचुएशन रिवर्सेस एंड मूव्स टुवर्ड्स द फाइनल रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद अ गुड प्लॉट इज वाइटल टू अ गुड प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज क्रिटिकली एनालाइज कॉन्फ्लिक्ट इन एनी प्ले यू हैव रिसेंटली रेड। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बताएं कहानी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके से होता है। सो द प्ले प्रोग्रेस इज एग्जाम्पलीफाइज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको पता भी चल जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट कितने तरह के होते हैं। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब एक कैरेक्टर जो है उसको जो आउटर वर्ल्ड है यानी बाहर के वो लोग हो सकते हैं, वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जब उसको तंग कर रही होती हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब कोई कैरेक्टर अपने अंदर किसी तजाद का या किसी परेशानी का शिकार होता है। द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन प्रोफेसर कॉरे एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड मिसिज मेल्डन एन एम्बेसडर ऑफ पीस। तो ये क्या है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल है। प्रोफेसर कॉरे इज एक्साइटेड दैट ही हैज इन्वेंटेड द फॉर्मूला फॉर एन एक्सट्रीमली डेडली बॉम्ब विच कुड वाइप मिलियंस एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड।
He shares his triumph with his sister Mrs. Meldon and expects that she would be equally happy. Mrs. Meldon on the other hand is not happy at all. तो ये क्या बन जाता है? Conflict बन जाता है. Already in mourning, mourning का मतलब यहाँ पे M-O-U-R, mourn, mourn का मतलब होता है मातम करना, सोग मनाना. Already in mourning for her husband and son, the war victims, she tries to convince Professor Corey that he should destroy his formula as it will destroy life. But he rejects her appeal disdainfully. Mrs. Meldon now undergoes an internal conflict. अब वो अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है कि मैं अब ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए अपने भाई को मारूं या ना मारूं. शी हैज़ टू चूज बिटवीन हर ब्रदर एंड ह्यूमैनिटी. फाइनली शी रिजॉल्व्स टू सेव द ह्यूमैनिटी एंड दस स्टैब्स हर ओन ब्रदर टू डेथ एज इट वॉज द ओनली मीन्स लेफ्ट टू डिस्ट्रॉय द डेडली फार्मूला. तो आज हमने जो है चार क्वेश्चंस किए ड्रामा से मुतालिक, ठीक है. यानी कि कोई भी आपसे प्ले, आपने कोई एक प्ले भी पढ़ रखा हो, लाजमी नहीं है कि आप प्रोग्रेस प्ले आप पढ़ें, आप कोई और भी प्ले आपने अगर इससे पहले पढ़ रखा है और आपको लगता है कि आप उससे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं. इसी तरीके से फर्स्ट ईयर की मुकम्मल बुक जो है वो मैंने सॉल्व की है और मुकम्मल ग्रामर जो है उस वो भी मैंने मुकम्मल पढ़ा दी है. उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. खुदा हाफिज़.